प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और शहीद दिवस समारोह के अवसर पर गांधी समाधि राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 7,214.3 करोड़ रुपयों की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मिंटो हॉल में महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी वी के सिंह को मध्य प्रदेश का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आदेश पर यह नियुक्ति की गई है। बिजली आपूर्ति में लापरवाही पर दमोह के असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित किया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर को 25 व 26 जनवरी को विद्युत व्यवधान के सुधार कार्य में देरी पर निलंबित किया गया है। मध्य प्रदेश में निराश्रित पशुओं की उचित देखभाल के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं का सब्सटेंशियल मॉडल विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में अगले 4 माह में 1,000 गौशालाएं खोलने का वादा किया, साथ ही 40 लाख मानव दिवसों का निर्माण करने का भी वादा किया। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा 30 जनवरी को इंदौर भ्रमण पर रहेंगे। विधि विषयक व्याख्यान माला में शामिल होने के बाद मंत्री धार पहुंचेंगे, जहां से इंदौर पहुंचकर देर रात भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।